हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओले बोर्ड एंड दिस इज सिद्धार्थ देव। और आज हम यहाँ पर सेशन में सर्किल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ही आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपको टोटल सर्किल के 22 जो हैं इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स होते हैं या थ्योरम्स आप कह लीजिए, जिनकी जरूरत आपको एग्जाम में पड़ेगी और आने वाले एसएससी एग्जामिनेशन में जो कि आपका मार्च में शेड्यूल्ड है उसमें बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो इस सेशन को आप ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए, प्लस पीडीएफ के जो 22 पॉइंट्स हैं आप उसको गो थ्रू होइएगा और उसमें अगर कोई भी डाउट होगी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, वो चीज़ आपकी आंसर की जाएगी। तो आइए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग SSC एंड RRB एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए क्वेश्चन नंबर वन में एक फिगर आपके सामने दे रहा है, एक सर्कल का केस है ये। और आपको जो डेटा दिया है वो ये दिया है कि जो कॉर्ड ED है, ये आपकी नीचे वाली लाइन, ये जो है डायमीटर AC के पैरेलल है और आपको एक एंगल दिया हुआ है, वो है एंगल आपका CBE, ये आपका 65 दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है एंगल DEC, इसका मतलब आपको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर आप विजुलाइज करें तो मानिए अगर मैं जो है पॉइंट ई को अगर मैं इस जो सेंटर है सर्किल का उससे मिला लेता हूं, तो आप एक बात देखिएगा, आपका एंगल EBC 65 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे एंगल EO और C, इसमें आपका O ये सेंटर है, अगर EOC होगा तो वो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 130 डिग्री। क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी कॉर्ड में, जैसे ये कॉर्ड अगर EC की बात करें, उससे जो आपका सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो 65 है, तो जो सेंटर पे बनेगा वो डबल होता है। तो अगर आपके पास एंगल EOC 130 आ गया और आपको बताना है एंगल DEC, तो ये जो आपका एंगल DEC है, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं एंगल DEC, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल OCE के बराबर। ये क्लियर है, एंगल आपका OCE, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब आपको अगर एंगल OCE निकालना है तो एंगल OCE आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 180, ठीक है, 180 माइनस 130 अपॉन 2। ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि ये आपका जो OC है वो भी आपका एक रेडियस है और आपका जो OE है वो भी एक रेडियस है आपका। तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो आपके बाकी दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, तो एक एंगल जो होगा वो उसका डिफरेंस का जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी एक और यूज हुई थी वो हुई थी आपका, वो आपका जो OE है दैट इज इक्वल टू OC, ठीक है। और ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्किल R के। तो फिर हमने यहां से एंगल OCE निकाल दिया और वो एंगल DEC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है, ये क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए आपके पास क्या है, आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो ये दिया है, BC एक कॉर्ड है, सेंटर आपका O है, जो A पॉइंट है वो मेजर आर्क पे है BC के। तो आपको टोटल मेजर बताना है एंगल BAC और एंगल OBC का। तो टोटल मेजर मतलब हमको सम बताना है। तो देखिए ये जो मेजर आर्क था, तो BC का मेजर आर्क आपका ये जो बड़ा वाला आपका ये जो है सर्कमफ्रेंस, इस पे लाई करेगा, तो वो हमने पॉइंट ए लिया। अगर माइनर आर्क होती तो हम नीचे लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो टोटल मेजर बताना है एंगल BAC और एंगल OBC का, तो हमने देखिए यहाँ पे एंगल जो है XYZ के फॉर्म में लिख लिए हैं पहले से।
ये आप एज्यूम कर सकते हैं वहां पे। तो आपको बेसिकली बताना है वैल्यू स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई की, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास कोई भी जो है फिगर्स में एंगल नहीं दिए हैं, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि आप मानते हैं, आप एक्स को मान लीजिए, आप एक्स को मान लीजिए एंगल है ये 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा, अगर एक्स 30 है किसी कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पे एंगल, तो एंगल जेड कितना हो जाएगा, वो सेंटर पे बन रहा है वो उसका ट्वाइस हो जाएगा, तो आपका जेड जो होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्लियर है। और एक बात और देखिए, अगर ये आपका 60 डिग्री है तो आपको ये पता है कि जो आपका ओबी है वो भी रेडियस है और ओसी वो भी रेडियस है, ठीक है। तो आपके ये दोनों एंगल इसीलिए वाई लिखे गए हैं देखिए यहाँ पे, क्योंकि वो बराबर होंगे। तो अगर एक एंगल 60 है और बाकी दोनों भी बराबर होंगे तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, ये भी आपके 60 आ जाएगी। वैसे आपको वाई की वैल्यू निकालनी इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको जो सम पूछा है वो एक्स प्लस वाई का है, ठीक है। तो आपके पास एक्स आपने 30 माना था, y आपने 60 निकाल दिया, तो इसका सम कितना आ गया, 90 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आप कोई भी एंगल एज्यूम करेंगे तो भी आपका आंसर हमेशा 90 आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, बट ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो फिगर दिया है आपको, इसमें पूछ रहा है कि आपको लेंथ बतानी है किसकी, QR साइड के नीचे वाले साइड की, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड है उसका जो है आपको हिंट जो है वो आपको PDF जो है उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइंगल को टच कर रहे हैं। तो देखिए जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि देखिए सिंपल सा है ये, अगर आपका सपोज हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये पॉइंट, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो अगर पी ए की वैल्यू 2 है तो आपका पी सी भी जो है वो 2 हो जाएगा, बिकॉज वो सेम रेडियस को करस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपका क्यू ए 5 है तो आपका क्यू बी भी 5 हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको टोटल लेंथ यहाँ पे पी आर की 8 दी थी, तो अगर आपसे आर सी की वैल्यू पूछे तो क्योंकि ये 2 हो गया है, तो 8 माइनस 2 दैट इज 6। और अगर आर सी आपका 6 है तो आपका आर बी भी कितना हो जाएगा, वो भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल लेंथ आपकी क्यू आर हो जाएगी वो हो जाएगी 5, दैट इज क्यू बी प्लस आर बी विच इज 6 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, इसका कभी कभी यूज पड़ता है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको दिया है कि पी क्यू एंड क्यू आर आर द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको बतानी है वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स क्या है, एक्स है आपका एंगल एस पी एम, ठीक है, एंगल एस पी एम, ये आपके जो है ये स्मॉल एक्स है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपको दिया है एंगल आर क्यू पी की वैल्यू 50 डिग्री ये वाले की। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें छोटा सा जब भी ये क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड आए तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये सेंटर ओ सपोज है, ठीक है, तो हम अगर आर पी को डॉटेड लाइन से एक समय के लिए जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको एंगल जो है पी ओ आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है, एंगल पी ओ आर की, तो आपको अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए। तो अगर ये एंगल 130 है आपका और आपको ये पता है कि क्यू आर की लेंथ जो है वो होगी क्यू पी के बराबर, ठीक है, तो अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है और ये एंगल 50 डिग्री है, तो अगर हम एंगल क्यू आर पी निकालते हैं, ठीक है, तो एंगल क्यू आर पी आपका कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया, तो ये दोनों में वो बराबर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 65 डिग्री। ये क्लियर हो गया आपको। तो एंगल क्यू आर पी 65 आ गया आपके पास। अब आपसे अगर कोई ये पूछता है आप एंगल ओ आर पी की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है, एंगल ओ आर पी, तो देखिए एंगल ओ आर पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 माइनस 65, क्योंकि ये तो आपका 90 होगा और आपने 65 तो निकाल लिया है, तो 90 माइनस 65 करेंगे तो इट विल कम हाउ मच, 25 डिग्री। तो आपको एंगल ओ आर पी जो है वो हो गया 25 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिएगा,
अगर ये एंगल आपका 25 है, ये क्लियर हो गया, ये एंगल आपका 25 है, तो आपका टोटल एंगल अगर मैं पूछूं एस आर पी, यहां पे देखिए लिख रहे हैं एंगल एस आर एंड पी, तो एस आर पी आपका हो जाएगा ये 20 + 25, विच इज हाउ मच, 45 डिग्री, ठीक है। और एक बात और देखिए, जो आपका एंगल एस आर पी है वही आपका एंगल एस पी एम भी होगा, ये वाला एक्स, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट में है, ये भी प्रॉपर्टी होती है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, तो ये जो एक्स की वैल्यू है वही आपके 45 हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए इसमें स्टेप्स को रिवाइज करते हैं, आपको 50 दिया था तो आपने एंगल पी ओ आर निकाल दिया, ये 130। फिर यहाँ पे एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये 50 है तो आपका ये एंगल हो जाएगा 65, टोटल ये 90 होता है तो हमने माइनस किया तो हमें मिल गया ये एंगल 25, विच इज एंगल ओ आर पी। ओ आर पी 25 है और आपका ये एंगल 20 दिया था आपको, तो इन दोनों को सम कर दिए हम 45, विच विल बी इक्वल टू एंगल एस पी एम, दिस इज एक्स, बिकॉज एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, तो आपका आंसर भी आ गया 45, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये पहले भी आया हुआ है, और देखिए यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में कि ए बी सी डी जो है वो दो कॉर्ड्स हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पी पे आउटसाइड द सर्कल, और आपको लेंथ दी हुई है ए बी की, बीपी की और पीडी की, और आपसे पूछ रहा है सी डी की लेंथ। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, पहले आप इसको समझ लीजिए, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को, ध्यान से देखिएगा, पी बी इंटू पी ए विल बी इक्वल टू पी डी इंटू पी सी, ठीक है, पी डी इंटू पी सी, ये ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। पी बी मतलब ये जो बाहर का पार्ट है इंटू टोटल बार, और यही चीज दूसरे के लिए अप्लाई है, पी डी इंटू पी सी, तो आपको तीन की तो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी है, आपको निकालना है क्या, आपको सी डी या डी सी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, पी बी 3 है इंटू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू पी सी, ठीक है, तो यहां से आपका जो पी सी आ गया वो हो जाएगा 12 आ गया आपका, तो अगर पी सी की वैल्यू आपकी 12 आती है तो आपको सिर्फ बताना है सी डी, तो 12 - 2 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी डी कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 12 - 2 दैट इज 10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, इस प्रॉपर्टी को भी आप माइंड में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पी क्यू एम एंड पी आर एम ये दो टेंजेंट हैं सर्कल पे, उसका सेंटर ओ है ये पॉइंट, और आपको ये दिया है कि एंगल एस क्यू एल जो है वो 50 डिग्री है और एस आर एम 60 डिग्री है, तो आपको बताना है वैल्यू एंगल क्यू एस आर की, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको जो दिया है एंगल एस क्यू एल 50 डिग्री है, तो SQL का मतलब आपको ये दिया है, ये है आपका 50 डिग्री, ये ठीक है, और क्या दिया है आपको एंगल SRM, एंगल SRM ये आपको दिया है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि आपको एंगल OQS की वैल्यू बतानी है, ठीक है, एंगल OQS, तो आपका एंगल जो ओ क्यू एस है वो 90 - 50 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू एंगल 40 डिग्री, ये क्लियर है। और आपको अगर सिमिलरली पूछा जाए एंगल ओ आर एस की वैल्यू, तो एंगल ओ आर एस भी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 90 - 60, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। अब ये आपको जो 40 डिग्री आया है एंगल ओ क्यू एस, दिस इज अगेन इक्वल टू एंगल ओ एस क्यू, कैसे हो गया, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट से एंगल ओ एस क्यू, और आपका ये जो 30 डिग्री आया है दिस इज अगेन इक्वल टू एंगल ओ एस आर, ये कैसे हुआ, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट से। तो अगर आप इन दोनों एंगल को देखें, एंगल ये आपका ओ एस क्यू और एंगल ओ एस आर, ठीक है, इन दोनों एंगल को अगर आप देख रहे हो
तो इनका सम अगर हम करते हैं तो हमको एंगल कौन सा मिल जाएगा, हमको क्यू एस आर मिल जाएगा। ये क्लियर है? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30 + 40 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी थी, बट आपको फिगर में वो चीज दिखनी चाहिए एग्जाम में, बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है करने के लिए प्रीलिम्स में, आपको लेस देन अ मिनट में मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए आप वो 22 पॉइंट्स का जो पीडीएफ है आप उसको स्टडी करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है ना ये आपको? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप पीडीएफ को भी रेफर करिएगा, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए, दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।